आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। शहीद आर्मी जवान आशुतोष कुमार के शव का कल मंगलवार को पैतृक गांव चोरिया पहुंचने की उम्मीद में भव्य शोभा यात्रा के साथ मांडल कॉलेज गेट से बीजू पाड़ा होते चोरिया ले जाने की कर रहे तैयारी। लद्दाख में देश की सरहद की रक्षा करते हुए चान्हो प्रखंड के चोरिया गांव निवासी जवान 25 वर्षीय अभिषेक कुमार शहीद हो गए। अभिषेक के शहीद होने की सूचना सेना की ओर से उनके परिजनों को शनिवार की शाम करीब 5 बजे दी गई। अभिषेक के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद दुर्गा पूजा के पंडालों सहित गांव में मातम का माहौल है। सूचना मिलने के बाद लोग स्वजनों को सांत्वना देने के लिए शहीद के घर जुटने लगे। हालांकि शहीद की मां व बहन को इसकी जानकारी नहीं दी गई है, इसीलिए घर के बाहर जुटे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। शहीद जवान के जीजा शिव पूजन साहू ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 3 माह तक अपने घर पर रहकर 20 मई को ड्यूटी के लिए गए और 21 मई को ड्यूटी ज्वाइन की थी। लगातार हमसे बात होती रहती थी। गांव के ही समाज सेवक आशुतोष तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जब अभिषेक गांव में थे, उस दौरान गांव के लड़कों को सेना में कैसे तैयारी की जाती है इसके बारे में बताते थे। उनके शहीद होने से बहुत ही दुख हुआ है, मगर एक तरफ दिल को सुकून भी मिलता है कि अभिषेक देश के लिए शहीद हो गए। अभिषेक के स्कूली दोस्त पंकज कुमार ने बताया कि चान्हो के चोरिया हाई स्कूल से 2012 में मैट्रिक पास किया था। उसके बाद रांची जिला स्कूल से 2014 में इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2015 में आर्मी के 146 डब्ल्यू सिग्नल कोर में सिलेक्शन हुआ। रांची मांडर से डॉक्टर संजय प्रसाद की रिपोर्ट। अभिषेक कब से सेना में गया? उसका 5 साल हो गया सेना में गया हुआ। सूचना कब मिली आपको शहीद होने का? कल 5:30 बजे फोन आया था वहाँ से, क्या कि वो चट्टान से फिसल के गिर गया कह के। चोरिया हाई स्कूल और इंटर किया था वो जिला स्कूल से रांची से। कैसा स्वभाव थे? बहुत मिलन स्वभाव का आदमी थे, सभी से बातचीत करते थे। इससे बहुत अच्छा रिश्ता होता है, किस मिजाज के थे? बहुत अच्छा मिजाज का, कुछ मिजाज था, रोज बात करता था 2-3 बार दिन भर में। परसों दिन भी 8:30 बजे रात को फोन किया था। कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन है। बड़े वाले भाई का नाम क्या है? उसका परमानंद नाम है बड़े भाई का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री पूजन साहू है। आप कब से उनके साथ पढ़ाई किए? हमारी दोस्ती चूँकि हम लोग तो साथ बचपन से ही थे, लेकिन हमारी ज़्यादा दोस्ती गहरी 6th क्लास में जब हम लोग दोनों ने साथ में हाई स्कूल चोरिया में एडमिशन कराया, उसके बाद से हमारी दोस्ती का परवान चढ़ता चला गया। हमारी दोस्ती की कोई सीमा नहीं थी। हम लोगों ने जब 10th क्लास पास किया, उसके बाद साथ में ही दोनों हम लोग एक साथ एक ही रूम में रांची में रहते थे। वो जिला स्कूल में था, मैंने सेंट जॉन्स में अपना एडमिशन कराया था। हम लोग वो साथ में ही, हमारा आना जाना था, खाना पीना था। अगर मैं कभी लेट होता था तो वो मेरा खाना बना देता था, मैं कभी जल्दी आ गया तो मैं उसका खाना बना देता था। साथ में ट्यूशन जाना था, आना था। लेकिन जब हम रांची से वापस आए तो मैंने एडमिशन करा लिया मांडर कॉलेज में। मैं करने लगा वहाँ पे बीए। लेकिन उसकी जिस तरह से लालसा थी बचपन से ही कि मुझे फौज में जाना है, तो वो अपनी तैयारी में जुट गया। वो तैयारी में जुटा, उसके एक साल के अंदर ही उसने अपनी नौकरी फौज में ले ली। उसको देख के मुझे भी एक बार एहसास हुआ, उससे प्रेरणा लेकर मैंने भी तैयारी शुरू की, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। लेकिन वो चला गया और इसकी हमें बेहद खुशी थी। जब भी वो आता था, ट्रेनिंग जब पूरा कराया, सबसे पहले मुझसे मिला, कैसे उसका ट्रेनिंग पूरा हुआ, कैसे वो क्या किया, उसका सारा वीडियो मेरे को दिखाया उसने।
यहाँ तक कि साथ में हम लोग मतलब एक बता नहीं सकता वो चीज़ को कि जब वो पहली बार ट्रेनिंग पूरा करके आया था तो हमारा मिलन क्या था। आज जिस तरह से मैं कल शाम को ही उसका खबर सुना तो मैं बता ही नहीं सकता कि मेरा अभी क्या अंदर बीत रहा है।